Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. किसकी जीत, किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब विस्फोटक रूप ले चुका है। एक तरफ अगर रूस की तरफ से यूक्रेन में बने न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट है कि यूक्रेन की तरफ से जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन में रूस को 30 ऐसी लैब मिली है जहां पर जैविक हथियारों पर रिसर्च हो रहा था। ये दावा है कि अमेरिका द्वारा इन लैबों की फंडिंग की जा रही है। रूस लगातार पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि ऐसे तमाम जैविक हथियारों को तुरंत खात्मा करना जरूरी है, इसलिए भी वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अब आपको बताते हैं पहले कि ये जैविक हथियार क्या होते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है। WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग करके ही इंसान को नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा प्रयोग वायरस का होता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारी पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या अपंग हो जाते हैं या फिर मनोरोगी हो जाते हैं। अब सवाल है कि यह हथियार किन देशों के पास है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। अब तक जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं। बीते 2 सालों से चीन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उसने कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करें तो जैविक हथियारों का इस्तेमाल पहली बार साल 1347 में मंगोलियाई सेना ने किया। मंगोलियाई सेना ने प्लेग से संक्रमित शव ब्लैक सी के किनारे फेंके थे। उस दौर में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण ब्लैक डेथ महामारी फैली। नतीजा 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, विश्व युद्ध में जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने एंथ्रेक्स नामक जैविक हथियार का इस्तेमाल किया। जाहिर तौर पर अगर इस तरह के जैविक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन अगर रशिया के लोगों के खिलाफ कर दे तो रशिया में बिना किसी हमले के ही लाखों करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।